यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, जिसको खास बनाने की कोशिश जो है सभी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हरियाणा में क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो एक बार फिर से देखने को मिली। वक्त वक्त पर तंवर और हुड्डा गुट एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं, और ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला रोहतक में, जहां तंवर और हुड्डा गुट के बीच में विवाद हो गया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थक कांग्रेस भवन में राहुल गांधी के होर्डिंग लगाने पहुंचे थे। वहां पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होर्डिंग लगा था, जिसको हटाकर उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन से जुड़ा हुआ होर्डिंग लगा दिया। इस घटना के बाद स्थानीय कांग्रेस भवन में दोनों धड़ों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे हुड्डा समर्थक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीबी बत्रा के साथ तंवर समर्थकों की काफी बहस और गर्मा गर्मी हुई। और जब बढ़ने लगी ये बातचीत, तो वहां से बीबी बत्रा ने चले जाना ही बेहतर समझा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर 19 जून को विशाल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसी सिलसिले में तंवर समर्थक कांग्रेस भवन पर राहुल के जन्मदिन से जुड़े होर्डिंग लगाने पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होर्डिंग को हटाकर वहां राहुल गांधी का होर्डिंग लगा दिया।